बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेशियों को सलाम हो गया जी। और मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी कि मैं नहीं भाई, मुस्कुराने की वजह बेसिकली ये जो मैसेज है हम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेशियों को आ रखे हैं हरूब ख़त्म के मतलब, यानी कि आपके पास 1 दिसंबर से, जो कि अभी कुछ दिन गुजर चुके हैं, आगे आगे दिन गुजरते जाएंगे और 29 जनवरी तक का टाइम है। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं जी, फ़लां डेट से फ़लां डेट तक, फ़लां डेट से फ़लां डेट तक आपकी छुट्टी बढ़ गई, फ़लां डेट से फ़लां डेट तक फ़्लाइटें बंद होगी। पहले ये मामला चले काफ़ी अरसा, और अभी ये बहरहाल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र है जी, मैं यही बोलूँगा, एक बहुत बड़ी सहूलत है तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो किसी भी मामले की सूरत में इल्लीगल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजह कर दूँ कि ये कुछ ख़बरें मैं इसके मतलब कभी पढ़ रहा था कि साई खास आमल मंजली के हरूब भाई ख़त्म नहीं हुए हैं। देखें, मैं ये बात बोलता हूँ, जिन भाइयों को तो मैसेज आ चुका है और तकरीबन सभी को अभी तक आ चुका होगा जिनके हरूब वगैरह वाला मसला है, वो तो अपने काम स्टार्ट करवा लें। क्या मामला था, कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके मतलब भी। जो जिनको मैसेज नहीं आया, चाहे उसमें आप आमल के ज़ुमरे में हैं, फर्दी मुसस्से के ज़ुमरे में हैं, आप मुसस्से के कंपनी के ज़ुमरे में हैं, आप साई खास आमल मंजली के ज़ुमरे में हैं, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि आपके मामला क्लियर होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको तरीक़ाकार तफसील थोड़ी समझा दूंगा, बता भी दूंगा। आप तमाम परदेसी भाई खुद से जो भी आपके पास मालूमात आपकी यानी कि होगी वो खुद से आप पता करवा सकते हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा इसमें, थोड़ा बहुत या आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ सकता है। अब देखें, इतना बड़ा मसला अगर क्लियर करवाना है तो भाई कुछ मामला तो करने ही पड़ेंगे। अच्छा, बहरहाल जिनके मैसेज आ चुका है वो तो भाई मैं पहले कल वाली वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि वो अपना किसी कोई भी कफील वगैरह ढूंढें, उसके साथ अपने मामला तय करने शुरू करवा दें, बशर्ते कि पहले अपना, मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर करने लगा हूँ कि जिनके पास मैसेज नहीं आया है वो भी, या आप साई खास आमल मंजली के ज़ुमरे में हैं तब भी, या जिनके पास मैसेज आ चुका है वो भी, सुन लें आप। पहले मैं आपको यहाँ पर तरीक़ाकार पूरा समझा रखा हूँ मैं। सबसे पहले आप दोस्त अहबाब ऐसा कीजिएगा कि खुद अगर आपने ये मामला अपन चक्करवाना हो तो मकतब सदाद या मकतब अमल आप बोल रहे हैं, आपको बेस्ट रहेगा, ज़्यादा इतना उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मकतब अमल चले जाएं, मकतब अमल के बाहर किसी एजेंट से बात कर लीजिएगा। अपना एक वाफदीन का पेपर होता है, वो पेपर ज़रूर पिक्चर वगैरह वाला पेपर होता है, उसमें नीचे पूरी तफसील डिटेल लिखी होती है, आपकी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से नीचे पूरी तफसील डिटेल भाई आ जाएगी, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपके मामलात पता चल जाएंगे, उसके बाद आप इजीली तरीके से अपने जो भी सूरत हाल है, जो भी मामला था आगे कफील के साथ, वो कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रही बात साई खास आमल मंजली, देखें आपका भाई जब ये पेपर निकलेगा या जिनको मैसेज नहीं आया अभी तक, तो उससे पूरी तफसील आपकी सामने आ जाएगी। अगर मामला क्लियर आते हैं तो भाई आपको मैसेज नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, आप इसी ज़ुमरे में हैं, आप अपने मामला सीधे करवा सकते हैं किसी दूसरे कफील के ऊपर। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मिसाल के तौर पर कीवा प्लेटफार्म के ज़रिए ये मामला क्लियर होने हैं जी, ये कन्फर्म कर दिया गया है। लेकिन अभी जिन भाइयों को अगर पता नहीं है कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मैं बोलता हूँ अगर किसी को पता भी है ना तो वो भी भाई, ये रिस्क वाली बात है, इसमें अगर कोई किसी किस्म की मिस्टेक हो जाती है तो मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई मकतब वाला आपसे 20 रियाल लेता है, 30 रियाल लेता है, 50 रियाल लेता है आपके कीवा प्लेटफॉर्म से तमाम रिक्वेस्ट भेजने की, एक्सेप्ट करने की जो भी मामला हैं, तो वो बेस्ट है भाई, ना कि हम अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की मिस्टेक कर लें। नंबर एक, अपना पेपर वगैरह दो भी है मामला है वो चक्कर वाले, आपकी पूरी तफसील सामने आ जाएगी, सूरत हाल सामने आ जाएगी। नंबर दो, कीवा प्लेटफार्म के जरिए ये मामला होंगे, अपना कोई भी कफील मुसस्सा कंपनी वो ढूंढें, उसके साथ बात करें, वही अगर आपके साथ मकतब में चला जाए या आपको लेकर मकतब अमल में चला जाए तो क्या ही बात है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। रही पुराने कफीलों की बात, तो पुराने कफीलों के साथ कोई किसी किस्म का लिंक नहीं है, वो उन्होंने आपको फारग कर दिया, आप अपने तरीके से जो भी आगे मामला हैं वो आपने खुद करवा हैं, अपनी तसल्ली के लिए, अपने मामलात की चेकिंग के लिए अपना वाफदीन का पेपर चेक करवा लीजिएगा, पूरी तफसील सामने आ जाएगी।